का बच्चा है ये? हैं? तुम्हारी फैमिली में पूरे एक से एक नमूने ही भरे हैं क्या? पहले तेरी बहन जिसकी सास उसे जलाने की कोशिश करती है और उसी का केस लड़ रही है उसी की बहन, और अपने ही बच्चे को गाड़ी में बिठाने की जगह ना आए तेरे पास, बेचारे को ऐसे डिक्की में बैठ के जाना पड़ता है। हाँ भी बेटा, तो बता मुझे कि तुझे डिक्की में किसने रखा? वो एक्चुअली जब हम घर से निकल रहे थे तब हमारे साथ आने की जिद कर रहा था, हमने मना किया इसलिए शायद जिद में आके डिक्की में बैठ गया होगा। अच्छा, तो मतलब अगर बच्चा जिद करे तो आप लोग उसको डिक्की में बैठा देते। देखो बेटा, अगर तुमको किसी से भी डर हो ना तो तुम हमारे साथ चलो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने बच्चे के साथ जबरदस्ती की है। हाँ चल, मान लिया है कि बच्चा तेरे पति का ही है तो ले जा इसे। वैसे शक्ल से तो तेरा पति बड़ा शरीफ आदमी लगता है, संभाल कर रख अपने पति और अपने बच्चे को। और सुन, अगली बार से बच्चे को अपने साथ बिठाना, डिक्की में नहीं। माँ जी, आप आराम कर लें। हम आपको हमारा कमरा दिखाएं और एक बहुत ही क्यूट और प्यारी गुड़िया से मिलाते हैं। आभा, ये बच्चा किसका है? लता को तो अभी तीसरा महीना चल रहा है ना। मामी, आभा ये बच्चा, माँ हम जानते नहीं ये बच्चा हमारी गाड़ी में कैसे आया। अभी आते समय पुलिस ने रास्ते में नाकाबंदी रखी थी, उन्होंने कहा डिक्की खोलने के लिए, हमने डिक्की खोली और उसमें से ये बच्चा निकला। और बाहर निकलते ही ये करण को लिपट गया और पापा पापा कहने लगा। खैर, शाम भी होने वाली थी और बच्चे को हम अकेले कैसे छोड़ते थे, इसलिए हमने सोचा आज रात के लिए उसे यहीं रखेंगे, कल पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा के फिर इसके परिवार को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लता जी, हमें अफसोस है आपके साथ जो हादसा हुआ, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके बाद आपके बच्चे को, हमारे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम। अगर आप ऐसा चाहते तो आज हमारा साथ देते। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हमने दाई माँ का नाम लिया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। आपने भी नहीं सोचा कि अगर हम उनका पक्ष ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। जितनी चाहे कोशिश कर लो लता रानी, ये खेल मैंने इतनी सफाई से खेला है कि तुम तो क्या, तुम्हारे वो करण आभा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करने। अरे, और ये तो प्रसाद खानदान की बहू है ना। हाँ देखो तो सही, पति को गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और इसके चाल चलन देखो, आजकल की लड़कियां तो। एक मिनट प्रियंका जी, क्या कहा आपने? इंसान की खुद की सोच गंदी होना, उसे दुनिया की हर चीज गंदी नजर आती है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि अपने घटियापन की वजह से आप दूसरे औरत के चरित्र पे लांछन लगाएं। प्रियंका जी, चलिए। प्रियंका जी, कमाल हो गया, कमाल ही हो गया। चलो ये काम तो अच्छा हो गया। अरे, अब उन औरतों को पैसे भी देने हैं। दिगंबर काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिवासरम्।